हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बिहार की तरफ से रिलीज की गई है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। टोटल वैकेंसी 309 रिलीज की गई है। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMIT कोड का यूज कर सकते हैं। PMIT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। आगे देख लेते हैं, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। ये वैकेंसी का इस लेवल 1 की वैकेंसी रहने वाली है। एंड ये वैकेंसी बिहार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज की गई है। ऑफिस अटेंडेंट की बात करें यानी कि कार्यालय परिचालक, ये जो कार्यालय परिचालक की लेवल 1 की पोस्ट है, ये रिक्रूटमेंट इस पोस्ट के ऊपर रिलीज किया गया है। टोटल 309 वैकेंसी है एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे गाइस, यहाँ पे इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो गाइस, आप लोगों ने 10th पास किया है सिंपली आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 10th पास किया है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, ऑनलाइन आवेदन आप लोग जिस भी, जो इसकी लास्ट डेट होगी दैट इज यहाँ पे 31st जो अक्टूबर है वो इसकी लास्ट डेट है। तो 31st अक्टूबर को आप लोगों ने अपना 10th पास किया, वो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। साथ ही गाइस, एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट मिनिमम 18 इयर्स है, मैक्सिमम 37 इयर्स है फॉर यू आर मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर यू आर फीमेल कैंडिडेट्स 40 इयर्स है यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट। बाकी जितने भी गाइस यहाँ पे कैटेगरीज है उनकी यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट लिखी हुई है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो दो तरीके अप्लाई करने के, पहला आप लोग bsc.bihar.gov.in ये जो वेबसाइट है इस पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा गाइज, आप लोग state.bihar.gov.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं, दो वेबसाइट है, इनमें से किसी भी एक पे जाकर के आप लोग 31 अक्टूबर 2022 से पहले इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कोई अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग dst.online@bihar.gov.in पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। आपके लिए ये हेल्पलाइन ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप लोग मेल करके पूछ सकते हैं। होप सो गाइस, कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर अकाउंट के साथ कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMIT कोड का यूज कर सकते हैं। बेस्ट PMIT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईटीजेई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर अकाउंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMIT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।